नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीटी ज्ञान पर। तो विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं 11वीं प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 10। इसके अनुसार हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC के, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। और दिया हुआ है कि BD बराबर 1/3 BC, यानी कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि BD बराबर 1/3 BC, और सिद्ध करना है 9 AD² बराबर 7 AB² और इसमें रचना से हम BC भुजा पर एक लंब खींचते हैं, AE लंब है BC। ये 90° का कोण हो जाएगा उपसी। समबाहु त्रिभुज ABC में शीर्ष लंब समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब होता है √3/2 गुणा भुजा। समबाहु त्रिभुज के लिए शीर्ष लंब होता है √3/2 गुणा भुजा। तो इसमें शीर्ष लंब है AE, वो हो जाएगा √3/2 गुणा भुजा, कोई भी भुजा AB। समीकरण नंबर 1। तो ये AD के लिए हमें सिद्ध करना है और AE का मान हमने AB के पदों में ज्ञात कर लिया है, AE बराबर √3/2 AB। अब हम याद करेंगे DE का मान। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि BE का मान और BE समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब, E उसकी माध्यिका होती है, तो E मध्य बिंदु होगा, तो ये होगा BC/2, यानी BE है जो BC/2 है। संभव त्रिभुज में शीर्ष लंब ही माध्यिका होती है, इसलिए BE बराबर BC/2, क्योंकि E मध्य बिंदु होगा। तो इससे हम मान याद करते हैं, BE का मान BC/2 और BD का मान हमें दिया हुआ है BC/3 या 1/3 BC। तो इससे DE का मान हो जाएगा BE-BD। BE में से BD घटाएंगे तो आ जाएगा DE का मान। तो BE बराबर BE का मान BC/2 माइनस BD और BD का मान 1/3 BC या BC/3। तो DE बराबर BC/2 माइनस BC/3। DE बराबर 2 और 3 का लघुत्तम 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 गुणा BC 3 BC, माइनस 6 में 3 का भाग दिया 2, 2 को BC से गुणा करेंगे 2 BC। DE बराबर 3 BC में से 2 BC घटाएंगे 1 BC, यानी BC/6। ये समीकरण 1 AE का मान, ये समीकरण नंबर 2 DE का मान। अब इस समकोण त्रिभुज के लिए हमारे पास सारे मान है और इसको हम DE बराबर BC/6 तो AB/6 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि AB बराबर है BC के, बराबर है AC के, तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो समीकरण नंबर 2, ये भी समीकरण नंबर 2, ये भी समीकरण नंबर 2, कोई भी एक समीकरण इस प्रकार रहेगी। तो DE का मान BC/6 या DE का मान AB/6। तो अब हमें याद करना है 9 AD² बराबर 7 AB² इसके लिए हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे AED समकोण त्रिभुज में।
तो अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में समकोण त्रिभुज ए ई डी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर यानी कि ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर समीकरण एक व समीकरण दो से ए डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और ए स्क्वायर का मान समीकरण एक से रूट तीन बटे दो गुना भुजा या रूट तीन बटे दो ए बी स्क्वायर प्लस डी डी का मान है ए बी बटे छ और इसका वर्ग तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर बराबर रूट तीन का स्क्वायर तीन ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बटा में दो की स्क्वायर चार प्लस ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर बटा में छह का स्क्वायर छत्तीस इसके बाद ए डी स्क्वायर बराबर तीन ए बी स्क्वायर बटे चार प्लस ए बी स्क्वायर बटे छत्तीस ए डी स्क्वायर बराबर इन दोनों का योग करेंगे लघुत्तम लेकर के चार और छत्तीस का लघुत्तम आएगा छत्तीस लघुत्तम हर का भाग देंगे छत्तीस में चार का भाग दिया नौ नौ तीय सत्ताईस अंश से गुणा करेंगे फिर नौ तीय सत्ताईस ए बी स्क्वायर प्लस लघुत्तम हर का भाग दिया छत्तीस में छत्तीस का भाग दिया एक एक को ए बी स्क्वायर से गुणा करेंगे ये आएगा ए बी स्क्वायर तो ए डी स्क्वायर बराबर सत्ताईस ए बी स्क्वायर और एक ए बी स्क्वायर ये बनेगा अट्ठाईस ए बी स्क्वायर बटा में छत्तीस तो चार के बारे में दोनों आते हैं चार सात अट्ठाईस और नौ चौके छत्तीस नौ हर में है इधर अंश में आ जाएगा नौ ए डी स्क्वायर बराबर सात ए बी स्क्वायर जो कि हमें सिद्ध करना था नौ ए डी स्क्वायर बराबर सात ए बी स्क्वायर तो आशा करते हैं सभी विद्यार्थियों के ये प्रश्न बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा इसी प्रकार के और प्रश्न समझने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।